हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना अभय पेट्स लवर चैनल। ये देख सकते हैं आज जा रहे हैं टैडी को नहलाने के लिए। काफ़ी गंदा हो गया है पाउच, देखिए पूरा गंदा हो गया। अभी फ़िलहाल इसका ड्राई क्लीनिंग करना भी हर हफ्ते का काम है। काफ़ी मज़ल इसका काफ़ी गंदा हो जाता है, ये देख सकते हैं। ये स्पम्प काफ़ी अच्छा होता है आपको अपने डॉग्स को नहलाने के लिए, काफ़ी अच्छे झाग्स प्रोड्यूस करता है, तो इससे काफ़ी कंफर्ट होता है डॉग्स को नहलाने के लिए। आप बेसिक ये चीज़ें यूज़ करोगे तो आपका पानी और शैम्पू कम लगेंगे। नाइटॉक्स का मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, इसका मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि नॉर्मली आराम से झाग हो जाए। ये बीटाडीन लिक्विड यूज़ करता हूँ नहलाने के लिए, देख सकते हैं अभी। अभी आप अप्लाई कैसे करना है आपको, आप पूरा देखिए अच्छे से, ताकि आपका पानी भी कम लगे और झाग भी अच्छे से हो और शैम्पू भी आपके डॉग के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। पहले थोड़ा सा शैम्पू डाल लिया है इस टैडी के ऊपर, अभी फिर थोड़ा फोम को पानी से अच्छे से गीला करके उसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से आपको रबिंग करना है। ये देखिए तुरंत कितना झाग हो गया है शरीर पर। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है पूरे शरीर के ऊपर, इसको अच्छे से केयरिंग से आराम से नहलाना है आपको। काफ़ी इजी होता है नहलाना, अगर आप नॉर्मल अगर आप ऐसे ही शैम्पू डाल के हाथ से रगड़ोगे तो इतना झाग अच्छे से निकलता नहीं है और अप्लाई भी अच्छे से नहीं होता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा झाग हो गया अच्छे से पूरे शरीर पे अच्छे से अप्लाई करना। और मोस्टली कम से कम आपको 15 मिनट तक अप्लाई करना है, या तो आप जल्दी अगर लगा देते हो कम से कम उसको 10-15 मिनट उसको शरीर पे रहने दीजिए, ताकि जो भी उसके शरीर पे इचिंग वगैरह या कुछ भी टिक्स वगैरह है वो सब रिमूव हो सके। देख सकते हैं आराम से नहा लेता है टैडी, बस इसके थोड़ा मुँह पर पानी ना जाए नहीं तो बिदगने लगता है थोड़ा। ये देख सकते हैं आप ऐसे अच्छे से अप्लाई करें शैम्पू को बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में। देखिए टैडी को नहला रहा हूँ तो कैसे भाग रहा है अभी आगे से। अभी कमर के पीछे पीछे पानी डालूंगा जब आराम से इजीली नहा लेता है, पर उसको फेस पे पानी जाएगा तो फिर वो भागने लगता है आजू बाजू। ये देखिए, और आपको ऐसे लास्ट में नहलाने के बाद एक मग्गे पानी में, या आपके पास कोई भी चीज़ है उसमें ऐसे पानी भर लीजिए, और लास्ट में उसमें एक ढक्कन आप बीटाडीन लिक्विड डाल लीजिए और उसको अच्छे से इसके ऊपर आप अपने डॉग के ऊपर लास्ट में सबसे लास्ट में अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके डॉग के ऊपर अगर कोई भी इचिंग हो रहा हो या थोड़ा फुंसी टाइप का हो रहा होगा वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे आपके डॉग बार बार इचिंग नहीं करेगा, जो भी थोड़ा उसको चोट वोट लगाए जख्म कहीं पे भी है वो भी सब आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। मैंने पहले इसके आगे के पंजे दोनों दुबा दिए हैं, चारों पंजों को मैं डीप कर लेता हूँ पहले, ताकि उसके नेल्स वगैरह सब पे बैक्टीरिया वगैरह जो भी जम्स होगा वो सब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मर जाएगा। और उसके बाद आपको ऐसे आराम से अप्लाई करना है इसके पूरे शरीर पर, मुँह से लेकर इसके पूंछ तक पूरा ऐसे अप्लाई करके इसको आपको छोड़ देना है। जब ये अपने आप खुद पानी वानी झाड़ लेगा 15-20 मिनट बाद, उसके बाद इजीली आपको अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथों से साफ़ करना है टॉवल से। ये देख सकते हैं मैं कैसे आराम आराम से लगा रहा हूँ इसको, ताकि पूरे इसकी स्किन तक अंदर तक जा सके। ये थोड़ा कैमरे के आगे पानी की बूंद गिर गई है, उसकी वजह से ऐसा ब्लर हो गया है। ये देख सकते हैं अभी टैडी नहाने के बाद पूरा मस्ती से मस्त हो रहा है, अपना पूरा खेल रहा है, झाड़ रहा है अच्छे से पानी को अपने शरीर से, ऐसे झाड़ने दिए। उसके बाद अपना ये देखिए अब आगे है इसकी ड्राई क्लीनिंग के ऊपर, अब इसकी ड्राई क्लीनिंग करेंगे अच्छे से, ताकि इसका पानी अच्छे स्किन से अच्छे से निकल सके। अगर अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई भी डॉग है बड़े हेयर वाला, तो आपको ज़रूर अपने आपके पास ब्लोअर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आप उसके स्किन को अच्छे से साफ़ कर सकें। देखिएगा आप वीडियो लास्ट तक कैसे एकदम इसका बाल तुरंत ही एकदम सारे के सारे एकदम साफ़ हो जाएंगे, एक एक बाल अलग हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा भी पानी इसकी स्किन में रहेगा थोड़ा इन्फेक्टेड होने का चांस हो जाता है। अगर आप बीटाडीन यूज़ कर रहे हो लास्ट में तो उसका कम थोड़ा चांस होता है इन्फेक्ट होने का।
अदरवाइज अगर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते हो तो उसमें 99% चांस रहता है आपकी स्किन इन्फेक्शन होने का, डेट के ऊपर जहाँ भी अलग पानी आपका थोड़ा भी रुक गया इसी में का प्रॉब्लम आते रहता है। देख सकते हैं फिर ब्लोअर लगवा रहा है कैडी, प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो उसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस शौक को रखने की काफ़ी हार्ड वर्क होता है इनकी केयरिंग करना, अगर आप खुद से केयरिंग कर रहे हो तो दोस्त की खुद केयरिंग करता वो जानते हैं उनकी कितनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो देख सकते हैं कि कैसा हो गया है, बाल भी इसके सारे अलग अलग हो गए हैं। अब इसकी थोड़ी कटिंग वगैरह भी करूँगा साइड से, हल्के फुल्के बाल इसके निकाल दूँगा, जो भी इसका थोड़ा एक्स्ट्रा बाल आ रहा है फेस के ऊपर, इसके कमर के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा इसका हेयर निकाल दिया था मैंने, जो भी इसका थोड़ा एक्स्ट्रा बाल आया हुआ है शरीर के ऊपर। ये देखिए रेडी हो गया है टैडी, बिल्कुल स्मार्ट लूंडा लग रहा है बिल्कुल, अभी मस्त हो गया है बिल्कुल। प्लीज़ आपको मेरा टैडी अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी डॉग्स के बारे में अगर आपको पूछना हो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरा शेडजू डॉग है, ये 1.5 साल का हो चुका है, काफ़ी मस्त है। देखिए 100% इसका पंच फेस है, जो एक्चुअली जो प्रॉपर शेडजू होता है उसका फेस मास्क इसी तरीके का होना चाहिए। काफ़ी हेल्थी है मेरा शेडजू प्रॉपर, इसको अभी मैं 2 टाइम्स ही फीड देता हूँ, अभी रॉयल कैनन। ये देखिए पिकाचू के साथ खेल मिल गई, इसे अभी लग रहा है उसके साथ खेलने के मूड में है। प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।